हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आरआरबी एएलपी सीवीटू की आंसर की जारी। आपको बता दूं, जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी आरआरबी एएलपी टेक्निकल सीवीटू की, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम हुई थी आपकी 21, 22 और 23 जनवरी को। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनकी एग्ज़ाम हुई थी 8 फरवरी को। तो दोनों के एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम की आंसर की जारी कर दी गई है। आपको बता दूँ, आपके स्कोर को लेकर ये कट ऑफ सर्वे वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके तो आपको अपनी स्कोर पता लग सके। आपको बता दूं, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर चेक कर लिया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कैटेगरी के साथ बता सकते हैं, ताकि आपको अपने रीजन की और कट ऑफ पता लग सके, और साथ ही अपनी कैटेगरी की कितने का कट ऑफ जाने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना स्कोर नहीं देखा है, तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने रीजन की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप अपने रीजन की वेबसाइट पे जाते हो, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको इसके नीचे जो अपडेट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्निकल वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने दो लिंक दिखाई देंगे। एक 16 फरवरी को आया था, जिसके अंदर बताया गया था कि आपकी आंसर की है जो 18 फरवरी को रिलीज की जाएगी 12 बजे, और आज हो चुकी है 18 फरवरी 12 बजे, आपके आंसर की रिलीज कर दी। इसके अंदर ही बताया गया था कि जो आपके आंसर की में कितने वजह से आप 19 फरवरी को, जी हाँ 19 फरवरी को आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो 10 बजे से लेकर और 20 फरवरी को 12 बजे तक, और जो आपकी आंसर की रहेगी वो 18 फरवरी से 12 बजे से स्टार्ट होगी और 20 फरवरी को रात के 12 बजे तक आपके रहने वाली है। यानी आपके पास 3 दिन के लिए, तो इसके अंदर आप आंसर की चेक कर सकते हो, और ऑब्जेक्शन के लिए आपको 19 फरवरी को 10 बजे से इंतजार करना होगा। साथ ही इसके अंदर बताया गया है कि जब आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हो जिस क्वेश्चन पर, तो आपको इसके पर क्वेश्चन का आपको 50 रुपये का पे करना होगा। अगर आप एक क्वेश्चन के करते हो तो 50 रुपये, दो के करते हो तो 100 रुपये, इसी क्रम में आपके आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको बता दें, जिसके ऑप्शन के सामने अगर आपको डाउट लगता है, तो उसके ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। साथ ही इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने आंसर की चेक कर सकते हो। तो ऐसे इस प्रकार चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहली तो है आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने आपको फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, और दूसरी आपकी डेट ऑफ बर्थ। दोनों को चेक करने के बाद में आप अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स ने चेक नहीं किया, वो भी अपना स्कोर चेक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, ताकि अपने अपने रीजन की कट ऑफ पता लग सके और अपनी कैटेगरी की पता लग सके। आपको करना क्या है कि आपको अपनी कैटेगरी और अपने नंबर के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको बता दूं, जो एक जनरल कट ऑफ जनरल सर्वे के हिसाब से कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है आपको, तो ओबीसी की बात करें पहले, तो ओबीसी के अंदर जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 63 नंबर से लेकर आपकी 74 नंबर तक जा सकती है। वहीं बात करें आपकी कट ऑफ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जा सकती है वो ओबीसी के अंदर 58 नंबर से लेकर 68 नंबर तक जा सकती है। वहीं बात करें आपकी जो एससी कैटेगरी की, तो एससी के अंदर जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो 50 नंबर से 60 नंबर तक जा सकती है। तो जो एसटी की जा सकती है आपकी कट ऑफ की, तो वो 45 से 55 नंबर तक जाने वाली है। तो ये आपको एक कट ऑफ को लेकर एक जनरल बताया है कितना कट ऑफ जा सकती है, जितने से स्टूडेंट्स को कितनी स्कोर आ रहा है। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना क्या स्कोर बन रहा है, और जिन स्टूडेंट्स का अपने आंसर की चेक नहीं कर पा रही, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस समय वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, जिसे वेबसाइट क्रैश हो गई है, और उसमें वेट का ऑप्शन आ रहा है कि थोड़ी देर बाद में आप ट्राई करिए। लेकिन अब जिन कई स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है, और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना क्या स्कोर आ गया है, तो आपको जल्दी से आपको नया वीडियो बनाकर आपको कट ऑफ बताई जा सके कितना क्या स्कोर पर, आप कितना